टाइकून आदित्य। दोस्तों बिजनेस टाइकून आदित्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी, जी हाँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। दोस्तों बहुत दिन से आपको इंतज़ार था एक ऐसी स्ट्रेटेजी का जो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे, तो आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं और ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। दोस्तों लगातार हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है और पास्ट वीडियो बनाई थी हमने ट्रिपल पे स्ट्रेटेजी, वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी, और आज हम तीसरी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। पार्ट थ्री लेकर आए हैं बिजनेस टाइकून की ट्रिपल पी स्ट्रेटेजी, और जिसको हमने ट्रिपल पी नाम दिया हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने इसको ट्रिपल पी स्ट्रेटेजी का नाम दिया है। ट्रिपल पी का मतलब है प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट। जी हाँ, इस स्ट्रेटेजी में आपको ऑनली प्रॉफिट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शन को सेल करेंगे। पास्ट वीडियो में हमने आपको स्ट्रेटल सेल करके बताया था और लगातार हम स्ट्रेटल सेल करके आपको बता रहे हैं। हमारे जो टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर भी हम लगातार आपको स्ट्रेटल सेल करके बताते हैं और कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहते हैं कि इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो स्ट्रेटेजी में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वाई सेल ऑप्शन, हम ऑप्शन को सेल करने वाले हैं और ऑप्शन सेल करने में क्या बेनिफिट आपको मिलेगा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी चर्चा करेंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप। इस स्ट्रेटेजी में आपको क्या मिलेगा, थीटा डे के बेनिफिट्स। दोस्तों आपको पता है थीटा डे के ऑप्शन सेलिंग सेलर जो होते हैं उनको इसी बेनिफिट के लिए ऑप्शन को सेल करते हैं। हमें लेना है ओवरनाइट थीटा डे के बेनिफिट। सो फ्रेंड्स, जितना आपको दिन भर में थीटा डे के नहीं मिलेगा उतना आपको ओवरनाइट मिल जाता है। अगर आप दिन भर भी ऑप्शन सेल करके बैठेंगे तो इतने भी उतार चढ़ाव आएंगे इतना आपको थीटा डे के नहीं मिल पाएगा, इतना कि आपको ओवरनाइट आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस स्ट्रेटेजी में आपको कोई मार्केट को प्रेडिक्शन नहीं करना, नहीं पता आपको मार्केट कहाँ जाएगा। कोई भी अगर कहता है कि मुझे पता है कि निफ्टी कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, तो कोई भी दोस्तों वो झूठ बोलता है। तो कोई भी मार्केट में नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ जाएगा, निफ्टी कहाँ जाएगा, जा सकता है, ऐसा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट का मॉडल ही ऐसा है, इसको हम सब लोग चलाते हैं और हम सबके दिमाग को कौन पढ़ेगा। अगर एक बंदा हो तो उसके दिमाग को लोग पढ़ लें, हज़ारों लोगों के लाखों लोगों के दिमाग को कौन कौन पढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तीसरा इसमें बेनिफिट आपको ये है, नो नीड टू सिट टाइम फुल टाइम। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में आपको ये बेनिफिट है, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, शॉर्ट टाइम ट्रेडर हैं, जिसमें आपको टाइम कम मिलता है, आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको शाम को आना है 3:15 पर, इसमें इंटर होना है और सुबह मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही निकल जाना है। तो है ना कमाल की स्ट्रेटेजी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट देने वाली है। यहाँ पर आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी होता है कोई भी आप स्ट्रेटेजी में काम करें, क्योंकि मार्केट में लोग नेक्ड काम करते हैं, हमें नेक्ड काम नहीं करना है, हैज के साथ काम करना है, और इसमें आपको फुल हैज मिलेगा। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगी ना तो लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों लॉस बड़ा लोग करते हैं, प्रॉफिट छोटा सा करते हैं। हमारा मानना ये है कि अगर आपको किसी भी स्ट्रेटेजी में 50% भी बेनिफिट मिलता है, 50% भी अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, और तो आप प्रॉफिटेबल बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप 50% प्रॉफिटेबल हैं और बाकी 50% अगर आप कम लॉस में मार्केट में निकलते हैं तो हमेशा आप प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया और आज भी बता रहे हैं। पांचवा आपको इसमें मिलेगा, अर्न कंसिस्टेंट प्रॉफिट। जी हाँ, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिलेगा आपको अगर आपने मंथली ट्रेड, महीने में 21 दिन होते हैं, अगर आपने 10-15 दिन भी ट्रेड कर लिया, ओके 15 दिन भी अगर आपको मिल गए, और कभी कभार आपको एक आध ट्रेड में, वैसे बाई चांस होगा नहीं, लेकिन कभी कभार अगर मार्केट में विक्स ऊपर या नीचे हुआ, ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, तो इसमें आपको लॉस होने के चांसेस हैं, बाकी इसमें कभी भी लॉस आपको नहीं होगा। चौथा आपको इसमें, छठवा आपको मार्जिन का बेनिफिट भी मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको फुल मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। इस स्ट्रेटेजी में आपको मात्र 60-70 हज़ार रुपये में ये काम हो जाएगा। आप एक लॉट ऑप्शन का सेल करते हैं, लगभग
2 लाख रुपए समथिंग, 1,70,000 रुपए समथिंग लगते हैं, 1.5 लाख पकड़ के चलो। और तो आप समझ लो ये 70,000 रुपए में आपके काम हो जाएगा विथ हेज। चलिए आपको बताते हैं ट्रिपल पी स्ट्रेटजी के बारे में। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करना, जिससे कि वो सीख सकें और मार्केट में लगातार प्रॉफिट कर सकें। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटेजी में आपको ध्यान रखना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर आपको रिस्क सही नहीं होगी और रिस्क का प्रॉपर याद नहीं रख ध्यान नहीं रखा, हमने इसमें पूरा ध्यान रखा है इसीलिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। इसमें आपको करना क्या है, स्ट्रेटल को सेल करना है, जी हाँ एट द मनी। माना कि अभी बैंक निफ्टी, हम इसमें बैंक निफ्टी पे काम करेंगे और बैंक निफ्टी 35,100 रुपये चल रहा है, तो आपको 35,000 रुपये का 100 का कॉल और 35,100 का पुट, यानी कि एट द मनी जो मार्केट प्रेजेंट मार्केट है उसी का कॉल और पुट आपको सेल करना है। अगर मार्केट 35,080 चल रहा है, ठीक है, माना कि 35,080 चल रहा है मार्केट, तो क्या कर कौन सा करेंगे आप, 35,100 वाला, और 35,030 चल रहा है तो 35,000 वाला करेंगे, 50 से अगर ऊपर होता है तो उसके ऊपर वाला करेंगे और 50 से नीचे होता है तो नीचे वाला करेंगे। कई लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि 35,040 मार्केट चल रहा है, अब मैं कौन सा सेल करूँ, तो 35,000 वाला करना है, ठीक है। तो 35,100 वाला अगर आपने स्ट्रेटल सेल कर दिया, ठीक है, करना कितने बजे हैं, 3:15 पे, और करना कौन सा है, वीकली एक्सपायरी का, यानी कि जो वीकली एक्सपायरी प्रेजेंट की हो उसको आपको सेल करना है। और दोस्तों इसके साथ हम अपने को करना है हैज। लोग इसको नेक्ड काम नेक्ड भी कई लोग सेलिंग कर देते हैं, लेकिन नेक्ड सेल करने में दोस्तों हम इसको 3:15 पे कर रहे हैं, यानी कि शाम को कर रहे हैं मार्केट बंद होने के बाद। अब इसमें रिस्क क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर दूसरे दिन खुलती है तो कितनी गैप अप खुल सकती है, कितनी गैप डाउन खुल सकती है कोई पता नहीं, या फिर वोलेटाइल खुले, या बिल्कुल भी गैप अप गैप डाउन ना खुले और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे। लेकिन दोस्तों ये चांसेस होते हैं, लेकिन अपने को रिस्क नहीं लेना है। दूसरी बात, मार्केट में पता, अगर मार्केट अपन इसको सेल करके बैठे और मार्केट पता चला दूसरे दिन 1,500 ऊपर खुल गई, तो क्या करेंगे आप, फिर तो आपको लॉस होना ही है ना। तो कभी भी आप नेक्ड स्ट्रेटल सेल ना करें, वो भी खास तौर पर शाम को, यानी कि आप शाम को मार्केट बंद होने के बाद, यानी कि ओवरनाइट आप सेल ना करें, ठीक है। आप सोचें होल्ड कर लें उसको, तो बहुत ही रिस्की होता है। और इसको भी आप बिना रिस्की बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आउट ऑफ मनी कॉल और पुट मंथली एक्सपायरी का, ये याद रखना, मंथली एक्सपायरी का बाय करेंगे। सपोज दैट 35,100 चल रहा है, आपने इसका कॉल और पुट सेल कर दिया, ठीक है। और आपको करना क्या है, जितने का आप सेल करेंगे उससे डबल का आपको कॉल और पुट मंथली एक्सपायरी का बाय करना है, आउट ऑफ द मनी। 35,100 सेल किया है और इसके 1,200 ऊपर जो भी आपका, जैसे कि आपने इसको सेल किया, हम आपको बताते हैं इसमें दोस्तों हमारा एम क्या है। आपका एम है ओवरनाइट थीटा डिको को कैप्चर करना, हमें प्रॉफिट से मतलब है। और दोस्तों अगर आपको, अगर आपने आपकी कैपिटल का 2% भी मिलता है तो बहुत है। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी में 70,000 रुपये लगाए और आपको 1,500 से 2,000 रुपये बनते हैं, 1,000 से 2,000 रुपये बनते हैं, तो बहुत है, आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि आपको किस प्रकार से इसमें काम करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सपोज दैट मार्केट एट द मनी चल रहा है 35,100, ओके, तो आपको क्या करना है, माना कि 35,100 की कॉल और पुट का भाव चल रहा है 300 प्लस 300, ठीक है।
टोटल हो गया 600। ओके, तो आपको दोनों को सेल करना है, आपने दोनों को सेल कर दिया। ओके, आपको दोनों को 600 रुपये में आपने सेल कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपका प्रीमियम 600 रुपये मिला है तो उसके डबल यानी कि 1200 पॉइंट ऊपर, 35100 चल रहा है, 36300 का कॉल, माना कि 150 रुपये चल रहा है, वो भी मंथली एक्सपायरी का। दोस्तों मंथली एक्सपायरी का हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का डिके बहुत ही कम होगा वीकली एक्सपायरी के अगेन। अगर आप वीकली एक्सपायरी लेते हैं तो ओवरनाइट डिके वीकली एक्सपायरी का ज़्यादा होगा और मंथली एक्सपायरी का कम होगा। ओके, तो इससे क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और हम प्रॉफिट में रहेंगे। माना कि 36300 का कॉल 150 रुपये चल रहा है और उसी के 1200 पॉइंट नीचे और 33900 का पुट, वो भी 150 रुपये चल रहा है। ओके, इसको भी हमने बाय कर लिया और इसको भी बाय कर लिया, इसको हमने सेल किया है। ठीक है, तो इसमें हमें ये करना है। और दूसरे दिन आपको ओवरनाइट गेन मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, इनकी इसकी प्रीमियम बहुत कम गिरेंगी और जैसे ही मार्केट दूसरे दिन ओपन होता है तो आपको, अगर मार्केट वोलेटाइल ओपन हुआ और 3500 चल रहा है, 35150 ओपन हुआ या 5050 पॉइंट ऊपर इधर उधर ओपन हुआ, तो आपको ओवरनाइट गेन मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा, हल्का सा। और यहाँ पर ओवरनाइट गेन कब आएगा, 12-1 बजे के बाद। हमेशा मंथली एक्सपायरी में ओवरनाइट गेन बाद में आता है। ओके, तो यहाँ पर आपको जल्दी मिल जाएगा। और दूसरी, हमने ये हेड्स क्यों लिए हैं, सपोज दैट मार्केट यहाँ से दूसरे दिन 1000 पॉइंट ऊपर हो गया, ठीक है, अब कैसे बचेंगे। अगर 1000 पॉइंट ऊपर हो गया तो इसमें तो लॉस होना पक्का है ना, इसलिए हमने इसको हेज को लिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों बिना हेज के कोई भी सौदा मत डालिए, हेज करेंगे तभी आपकी कैपिटल बनी रहेगी और आपकी कैपिटल बनेगी तभी आप कुछ कर पाएंगे मार्केट में। ओके, तो हमने हेज इसलिए लिया है, सपोज दैट मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर ओपन होता है दोस्तों, ये रेयर केस में होता है, महीने में एक आध बार कभी कभार हो जाए, तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर हैज है ना हमारे पास तो आपको इतना लॉस नहीं होगा, लॉस होगा लेकिन इतना नहीं होगा, वो भी रिकवर हो जाएगा। देखिए कैसे, माना कि इसको मैं हटा देता हूँ, तो आइए जानते हैं कि हमें लॉस किस कंडीशन में हो सकता है। अगर आपने 35100 की ये बार बार, हाँ 3500 की आपने कॉल बाई की 300 में, ओके, और पुट भी बाई की 300 में, तो आपके टोटल आपको 600 रुपये का बेनिफिट आपने सेल कर दिया, ठीक है, टोटल 600 रुपये हो गए। और वहीं आपने इसके 1200 पॉइंट ऊपर की 36300 की 150 रुपये बाई की और ओके, और 33900 की भी आपने 150 रुपये बाई की, ये मंथली है। ओके, सपोज दैट मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 1000 पॉइंट ऊपर जाता है या नीचे गिर जाता है, 1000 पॉइंट ऊपर मानते हैं, तो दोस्तों ये रेयर केस में होता है, ये कभी कभार ही होगा। और हम एक अज्यूम कर रहे हैं, बुरे से बुरा मार्केट 1000 पॉइंट भी ऊपर गिरता है या 1000 पॉइंट भी बढ़ता है, बढ़ेगा तो एकदम नहीं, गिरेगा ही ज़्यादा, तो मानो कि गिरता है 1000 पॉइंट, अगर मार्केट गिर भी जाता है तो रेयर केस में होता है ये। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने ये कॉल है, ओके 1000 पॉइंट अगर मार्केट गिरेगा तो ये कॉल 300 रुपये आपने ली थी, ये 300 रुपये की आपकी 20-30 रुपये रह जाएगी, ओके ये 20 रुपये रह गई, और ये 300 रुपये पे आपने इसको सेल किया था, और तो ये कितनी हो जाएगी, अगर 1000 पॉइंट मार्केट गिरता है तो ये कम से कम 1100 रुपये पकड़ के चलते हैं, 1100 रुपये हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अपने हमने 600 रुपये हमें मिले थे, 600 रुपये हमने लगाए थे और 1100 रुपये उसमें हो गए, हमारी 600 रुपये की प्रीमियम 1100 रुपये हो गई, तो उसमें 500 रुपये का लॉस दिखा रहेगा, ठीक है। और वहीं ये मंथली की हमारे पास है, तो मंथली में क्या रहेगा, ये कॉल 150 रुपये की जो कि मंथली है वो 50 रुपये हो जाएगी,
आपके जीरो नहीं होगी क्योंकि ये मंथली है, तो ₹50 ये हो जाएगी। और ये पुट मंथली है तो ये भी बढ़ेगी, तो ये इतनी नहीं बढ़ेगी, ये ₹400 समथिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन को क्या होता है, यहाँ ₹500 का लॉस दिख रहा है और यहाँ ₹250 का प्रॉफिट है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ₹100 का प्रॉफिट है और यहाँ पर ₹250 का, सॉरी यहाँ पर ₹100 का लॉस है, यहाँ ₹250 का प्रॉफिट, ₹150 यहाँ से भी आएंगे, तो लगभग 350 पॉइंट का आपको लॉस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर ₹100 यहाँ पर आपको जाएंगे और यहाँ पर ₹250 आएंगे, तो ₹150 समथिंग। ठीक है, तो आपका लगभग 300 से 350 पॉइंट का लॉस दिखेगा। लेकिन दोस्तों ये लॉस रेयर कंडीशन में होगा और ये आपकी कैपिटल का 2 या 3% ही होगा, तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको भयानक से भयानक स्थिति भी बता के करके दिखाई है, क्योंकि मार्केट में रेयर कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन में भी आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तभी हम हेड्ज में काम कर रहे हैं। ओके, तो इसमें आप मार्केट से आउट नहीं होंगे और ये लॉस तो आप एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में ही निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मार्केट में दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी हमने ऐसी एनालिसिस करके देखी है तो लगभग 88% मार्केट वॉलेटाइल रहती, अभी तक के जितने भी पूरा डाटा निकाल के देख लेना आप, 88% मार्केट वॉलेटाइल रही और 12% मार्केट में बड़े गैप अप और गैप डाउन आए थे। ओके, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, मार्केट में लॉस अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट के चांसेस नहीं बढ़ेंगे, और लॉस को अपन को कम करके चलना है, प्रॉफिट को अपने हाथ में रखना है। तो इस प्रकार से स्ट्रेटेजी में काम करना, बाकी आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि किस प्रकार से ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी और आपके क्या सुझाव हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमारी लिंक से जो बंदा अकाउंट ओपन करता है उसको हम 5 फायदे प्रोवाइड करते हैं, वो फायदे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए टेलीग्राम की, वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।